नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट पासपोर्ट्स पर। मैं हूं कार्तिक सिन्हा। और जहां लॉकडाउन 3 के दौरान पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व में खेल गतिविधियां ठप पड़ चुकी हैं, वहीं कोरियन कल्चर सेंटर और जम्मू कश्मीर टाइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा अनुष्ठित किया गया अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन टाइक्वांडो प्रतियोगिता में उड़ीसा के दिग्गज चिन्मय बेहरा और आकाशदीप ने स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता में 24 से ज़्यादा देश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने अपने टाइक्वांडो के वीडियोज यूट्यूब के जरिए माध्यम से सबमिट किए और उपस्थित थे। 30 साल से ऊपर कैटेगरी में चिन्मय ने और 30 साल से कम की कैटेगरी में आकाशदीप ने अपना हुनर दिखाया था। नेशनल रेफरी अतुल फुगवथरा और विश्व टाइक्वांडो संघ के पॉम्सी रेफरी अध्यक्ष मुस्तफा माउथ और राजक बदर टाइक्वांडो संघ के सभी नको संबोधित किया था। इस पर आगे बातचीत करने के लिए भुवनेश्वर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता समरेंद्र रावत हमारे साथ। समरेंद्र, ताइक्वांडो में उड़ीसा के लिए 2-2 स्वर्ण पदक आए हैं, इसके जल प्रतियोगिता के बारे में बताएं और किस कैटेगरीज में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और इसके साथ साथ कितने गर्व की बात है उड़ीसा के लिए। देखिए, जब सारे विश्व अभी लॉकडाउन के दौर पे गुजर रहा है और उसी बीच में खेल का गतिविधियां सामान्य नहीं हो पा रहा है, तभी उड़ीसा में जो ताइकुंड का जो एसोसिएशन है अभी उनके लिए 2-2 स्वर्ण मिला है। एक तो 30 साल की उम्र जो है उससे ऊपर कैटेगरी में जो चिन्मय बेहरा जो कि ताइकुंड में वो अभी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं बच्चों को, उनको स्वर्ण पदक मिला है। और 30 साल के नीचे जो कैटेगरी 18 साल के कम के जो कैटेगरी में आकाशदीप सेन जो कि उनको स्वर्ण पदक मिले हैं, तो ये गर्व का विषय है दोनों के लिए। पोम्से ताइक्वांडो प्रतियोगिता सारे विश्व में हो रहा था जुलाई 26 से 30 के बीच में, जिसमें से हिस्सा लिए थे उड़ीसा के काफी खिलाड़ी और इसमें से 2 को स्वर्ण पदक जीते थे, जो कि पोम्से ताइक्वांडो एसोसिएशन जो मुस्तफा जो जिसके अध्यक्ष है मुस्तफा राउत रजाक, जो खूबी खूब जो देख रहे थे कि कैसे ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जो जो हुनर दिखा रहे थे उसमें से स्कोरिंग दे के ये दोनों जो जो खिलाड़ी हैं उनको स्वर्ण पदक दिला में उनको काफी हद तक सराहनीय है ये, क्योंकि दोनों अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो हैं अभी तक उड़ीसा को ताइक्वांडो में काफी स्वर्ण पदक मिल चुका है, क्योंकि अभी सिर्फ भद्रक जिले के करीब 40 से 50 खिलाड़ी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लेके अपना हुनर दिखा चुके हैं। कार्तिक जी, सुरेंद्र, कौन कौन सी कैटेगरीज में ये दो खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे और किन प्रोसेस के बाद इनको स्कोर मिला था, क्योंकि ऑनलाइन है तो किस जरिए से इनको मार्किंग की गई थी इन सब खिलाड़ियों की? देखिए कार्तिक जी, जो ताइक्वांडो है उनका एक पॉइंट रहता है कि जो परफॉर्मेंस देते हैं उसके जो है बाकायदा जो स्कोरिंग होता है कितना अच्छे तरह से वो परफॉर्मेंस दे पाते हैं, तो उसको देखते हुए जो अतुल फुगवथरा जो है नेशनल रेफरी और अंतर्राष्ट्रीय जो रेफरी है माउट मुस्तफा माउट रजाक, दोनों ने ये पॉइंट स्कोरिंग किए थे और इसी हिसाब से जो कि 24 देशों में से जो प्रतियोगिता भाग लिए थे इसमें से भारत का उड़ीसा के जो 2 थे इसमें, जो कि चिन्मय बेहरा जो कि 30 साल की ऊपर कैटेगरी में उससे हिस्सा लिए थे और 18 साल के कम जो कैटेगरी में आकाशदीप उन्होंने पार्टिसिपेट किए थे, तो दोनों को स्वर्ण पदक मिला है। और इसी बीच में जो है ताइक्वांडो एसोसिएशन जो उड़ीसा के जो है भंज उन्होंने काफी सराहनीय जो वक्तव्य दिए हैं दोनों के बारे में। कार्तिक, समरेंद्र, ताइक्वांडो जैसा आपने बताया अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है ताइक्वांडो में और उड़ीसा के खिलाड़ी अक्सर मेडल्स लेके आ रहे हैं, क्या राज्य सरकार इनको प्रोत्साहन दे रही है आगे बढ़ने के लिए? और देखिए, ताइक्वांडो एसोसिएशन जो है अपने खर्चा में जो करता है, क्योंकि ताइक्वांडो इतना प्रसार नहीं हुआ है उड़ीसा में, हालांकि उनके जो खिलाड़ी हैं अच्छे अच्छे पदक लाए हैं, लेकिन राज्य सरकार जो पदक मिलने के बाद उनको 80,000 60,000 40,000 करके जो स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक जो जीतने वाले को उनको पुरस्कार तौर पे देते हैं, तो ये काफ़ी नहीं है हालांकि, लेकिन एक उनको प्रोत्साहन के लिए दिए जाते हैं उड़ीसा सरकार के द्वारा। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि जिसके पदक ज़्यादा आ रहा है ताइक्वांडो में, तो उड़ीसा सरकार को मजबूरन इसमें फिर काम करना पड़ेगा। कार्तिक, समेंद्र, जो ताइक्वांडो वर्ल्ड ताइक्वांडो एसोसिएशन है
वो कैसे देख रहा है इन सब प्रतियोगिताओं को और इन प्रदर्शनों को? देखिए, वर्ल्ड पोमसे ताइक्वांडो का जो चेयरमैन है, जो मुस्तफा माउंट रजाक, उन्होंने खुद रूबरू किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरा उसी मैच के दौरान, और ये ऐलान किए थे कि अच्छे परफॉर्मेंस किए, जो स्टेप लिए थे उन्होंने, तो अच्छे बारीकी में जो स्टेप को जो कैलकुलेशन जो दिखा गया था कि अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, और साउथ कोरिया का भी ऑनलाइन में देख रहे थे, और इंडिया का जो अतुल फगवात्रा वो भी ऑनलाइन में थे, तो इसमें जाहिर होता है कि वर्ल्ड जो है ताइक्वांडो एसोसिएशन जो है उड़ीसा के जो हुनर को प्रशंसनीय कार्य के लिए संबोधित किया था, ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे जाहिर होता है कि उड़ीसा के जो ताइक्वांडो एसोसिएशन और भी आगे चलेगा, और अभी तक जितने परफॉर्मेंस दिए थे भविष्य में आगे भी जाके और भी अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएगा। कार्तिक जी, चलिए समीर जी, आप उड़ीसा में चल रही खेलकूद जगत की तमाम खबरों पर नजर बनाए रखें। ये थे समरिंदर राउत हमारे संवाददाता भुवनेश्वर से हमारे साथ इस खबर के साथ जुड़ते हुए कि उड़ीसा के दो खिलाड़ियों ने चिन्मय बेहरा और आकाशदीप ने एक ऑनलाइन इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं। जहां चिन्मय ने 30 साल के अबव की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, वहीं आकाशदीप ने अंडर 30 कैटेगरी में एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 24 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, यूट्यूब के माध्यम से अपनी वीडियोस ऑनलाइन भेजी थी, और उसके बाद इनको अंकित किया गया था, और फिर जो मेडलिस्ट थे और जो विनर्स थे उनको चुना गया था। फिलहाल स्पोर्टलाइट में इतना ही, आप जुड़े रहिए पासपोर्ट्स के साथ।